तो पिछले वीडियो में अपन ने नेचर ऑफ कोनिक की बात की थी। सो इस वीडियो में अपन x1, y1 आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला दे रखे हैं। इस केस में बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की। सबसे पहली चीज है, तो इस केस में जो मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स वाई तुम इसको मानो, ये तुम्हें दे रखा है। ये तो मैं एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है। सो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स क्या हो जाएगी इस केस में, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, y1। सो ये इस हाइपरबोला की असिम्प्टोट्स की इक्वेशन हो जाएगी। और इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि तुम्हें पता है कि जो हाइपरबोला और उसके सिंप्टोट्स होती है वो डिफर करती है बाय कॉन्स्टेंट टर्म। सो अपन क्या मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जो हाइपरबोला है उसकी जो सिंप्टोट्स है वो इस टाइप की है, कुछ कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया अपन ने। अब क्या होगा कि x1, y1 को ये सेटिस्फाई करेगा। सो x1, y1 को ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे अपन क्योंकि जो सिंप्टोट्स है वो सेंटर से पास करती है, सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अपने पास सिंपली ये वाली चीज आ जाएगी। सो यहाँ पर अगर अपन पुट कर देंगे तो अपनी इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। सो यहाँ से अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स है वो ये हो जाएगी। और तुम्हें ये भी पता है कि जो इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला है वो डिफर करती है इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स को सेम कॉन्स्टेंट से, एज द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स डिफर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो जो हाइपरबोला और असिम्प्टोट्स में जो डिफरेंस होता है वो सेम ही डिफरेंस असिम्प्टोट्स एंड कंजुगेट हाइपरबोला में होता है। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को निकालने के लिए इसमें ये डिफरेंस है जो ऐड कर देंगे। सो जो इसकी इक्वेशन है कंजुगेट हाइपरबोला की गिवन हाइपरबोला के, वो ये आ जाएगी। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो सेंटर अगर तुम्हें दे रखा हो तो असिम्प्टोट्स और कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे निकालें। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।